हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। विधान भी बदल देने का बाहुबल है मुझमें। मैं सारे असुरों का भविष्य बदल दूंगा। परंतु द्वारिका पर आक्रमण करने के बाद प्रभावती का भविष्य बिगड़ जाएगा स्वामी। अर्थात बताइए महारानी, वो कौन सा रहस्य है जिसे आप सहित बताने से घबरा रही है? असुरेश्वर, प्रभावती ने मन ही मन में किसी राजकुमार को चुन लिया है, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ। तो इसमें फिर छुपाने वाली कौन सी बात है? यदि प्रभावती किसी राजकुमार से विवाह करना चाहती है तो हम अवश्य उसका विवाह उस राजकुमार से करा देंगे। बताइए, वो कौन भाग्यशाली राजकुमार है जिसने हमारी लाडली बेटी का मन जीत लिया है? द्वारिका के युवराज प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ने? उस बाले कृष्ण के पुत्र ने? प्रभावती! वज्रनाभ, पिताश्री। दादी मां, प्रभावती को मेरे हवाले कर दो। मैं इस विद्रोही की गर्दन उड़ा देना चाहता हूं। जो मेरी गर्दन मेरे शत्रु कृष्ण के सामने झुका देना चाहती है, उसके पुत्र प्रद्युम्न के साथ प्रेम कर रही है, मैं इसे जीने नहीं दूंगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि होनी को अनहोनी में बदल देना चाहते हो? परंतु कोई भी होनी को अनहोनी में नहीं बदल सकता वत्स। मैं बदल दूंगा दादी मां, मैं बदल दूंगा। तुम भगवान तो नहीं हो वज्रनाभ? मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। प्रभावती का जन्मदाता मैं हूँ, इसलिए इसके लिए इसका मैं ही भगवान हूँ और मैं इसका मृत्युदाता हूँ।
परंतु वत्स, ये तुम्हारी पुत्री है। दादी मां, आप चुप रहिए। मैं इस अपराधी को इसके अपराध की सजा अवश्य दूंगा। राजकुमारी प्रभावती, तुम ही बताओ, असुरों से जो द्रोह करता है उसे असुरों की नीति के अनुसार क्या दंड दिया जाता है? मृत्युदंड पिताश्री। फिर तुमने जो द्रोह किया है उसके लिए तुम्हें क्या दंड दिया जाए? मृत्युदंड पिताश्री। अपराधी आपके सामने है पिताश्री, दीजिए मुझे मृत्युदंड। अपनी पुत्री का वध करेंगे? आपकी इस तलवार ने सदा अपने शत्रुओं के रक्त से स्नान किया है, क्या आज अपनी इसी तलवार को प्रभावती के रक्त से नहलाएंगे? मारो, मारो इसे, मारो, अपने ही दिल के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े कर दो। रुक क्यों गए वज्रनाभ? दिखाओ अपनी वीरता। एक निस्सहाय निष्पाप बालिका पर उठाओ तलवार। मैंने अक्षम्य अपराध किया है पिताश्री। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा प्रभावती। पिताश्री, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। मैं कभी भी आपकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगी पिताश्री। अब मैं कभी भी प्रद्युम्न से विवाह नहीं करूंगी पिताश्री, कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए प्रद्युम्न अब जीवित भी नहीं रहेगा। वाले कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने तुम्हें मोहित करने के लिए जो अपराध किया है उसके लिए मैं उसे दंड दूंगा, उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब तो मेरा द्वारिका पर आक्रमण करना परम आवश्यक हो गया है। मैं आक्रमण करके द्वारिका पर तबाही मचा दूंगा। कृष्ण बलराम के साथ प्रद्युम्न को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। या वज्रनाभ एक विशाल सेना का सागर लेकर द्वारिका की ओर आ रहा है। सेना का नहीं देवी, बारातियों का सागर लेकर द्वारिका की ओर आ रहा है। बाराती? हाँ देवी, वज्रनाभ बाराती लेकर आ रहा है जिसे वो सेना समझ रहा है। तुम्हें तो पता होना चाहिए देवी, प्रद्युम्न से राजकुमारी प्रभावती का विवाह होने वाला है। प्रभु, आप ये लीला भी दिखाने वाले हैं? वाह प्रभु वाह, अब मजा आएगा।
जब ऐसा अनोखा विवाह होगा। वज्रनाभ यदि पहले ही प्रद्युम्न का संबंध प्रभावती के साथ जोड़ने के लिए मान जाता तो इस शत्रुता का अंत और मित्रता का आरंभ हो जाता। प्रभु, आपने हर समय हर घड़ी संसार के सामने समाज सुधार के नए नए अध्याय रखे हैं। सदा ही आपने समाज को अन्याय और अत्याचार से मुक्त करने का प्रयास किया है। देवी, जब मनुष्य का विवेक अहंकार और द्वेष जैसे शत्रुओं का बंदी बन जाता है तो अविवेक ही मनुष्य के मन पर राज करता है और वो उचित निर्णय लेने के योग्य नहीं रहता। असुरराज वज्रनाभ की भी यही दशा है देवी। वो अपने आत्मविश्वास को अपना सुरक्षा कवच समझ रहा है, परंतु वो आत्मविश्वास नहीं है, अहंकार है, और अहंकार कभी किसी का सुरक्षा कवच नहीं बन सकता। चाहे वो देवता हो, चाहे दानव, चाहे मानव, देवी, अहंकार मनुष्य को उस गहरी खाई की ओर ले जाता है जहां से कोई ऊपर नहीं आ सकता। वाह प्रभु वाह, कितना महान सत्य आपने सहज ही कह दिया। परंतु वज्रनाभ ये सत्य जानने का प्रयास तक नहीं कर रहा है। वज्रनाभ को इसी सत्य का परिचय देने के लिए मैंने दादी माँ के माध्यम से कितने ही संकेत दिए, परंतु मूर्ख अज्ञानी वज्रनाभ इन संकेतों को समझ नहीं सका। देवी, वज्रनाभ महत्वाकांक्षा का मारा हुआ है। जिस दुर्योधन को वज्रनाभ अपना मित्र समझ रहा है, उसी दुर्योधन का उदाहरण सामने होते हुए भी स्वयं वज्रनाभ महत्वाकांक्षा के वाहन पर आरूढ़ होकर द्वारिका पर आक्रमण करने हेतु चला आ रहा है। देवी, एक शौर्यशाली पुरुष को अपने बाहुबल पर गर्व करना स्वाभाविक है, परंतु इसी बाहुबल को अपना महाअस्त्र समझना और होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में बदल देने का दुस्साहस करने का प्रयास करना दुशासन की तरह अपने विनाश को निमंत्रण देने के समान है। परंतु प्रभु, वज्रनाभ के अहंकार का भुगतान प्रभावती को क्यों भुगतना पड़ रहा है? इसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। क्या आपने देखा नहीं देवी कि दुर्योधन तथा दुशासन के अहंकार का दुष्परिणाम संपूर्ण कुरुकुल को भुगतने पड़े थे? देवी, वज्रनाभ और दुर्योधन जैसे दुरात्माओं के दुष्कर्मों की लपेट में संपूर्ण कुल आ जाता है और उनके दुष्कर्मों के परिणाम का भागी बन जाता है। देवी, एक नारी का महत्व पुरुष के जीवन में क्या होता है ये वज्रनाभ जैसे अहंकारी पुरुष नहीं जानते। बेटी के रूप में नारी पिता की आंखों को ठंडक पहुंचाती है, पत्नी बनकर नारी पति का सम्मान बढ़ाती है और माता बनकर नारी संतान पर ममता की वर्षा करती है और अपने पुत्रों में संस्कार सींचती है। नारी के बिना पुरुष अधूरा है। देवी, नारी ही पुरुष का अभिमान है, अहंकार है, नारी ही पुरुष की प्रतिष्ठा है और नारी ही पुरुष का गौरव है। नारी है तो सृष्टि है, नारी नहीं तो सृष्टि नहीं। नारी के बिना पुरुष एक शून्य है। जब इस सत्य से वज्रनाभ जैसे दुरात्मे परिचित हो जाएंगे तो इस पृथ्वी लोक पर नारी का अपमान कभी नहीं होगा। परंतु प्रभु, इस समय तो वज्रनाभ ये सब समझने की स्थिति में ही नहीं है।
वो तो केवल लड़ने भिड़ने के लिए आ रहा है। क्या आप उसे रोकेंगे नहीं? देवी, वज्रनाभ प्रद्युम्न का होने वाला ससुर है, इसलिए अपने ससुर का स्वागत पहले स्वयं प्रद्युम्न करेगा। वैसे मैं और दाऊ भैया भी होंगे। बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। ढोल ताशे बजेंगे, शंखनाद होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मेरे कारण जो आपका अपमान हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपका सर झुक जाए। आप असुरों का मान है, असुरों की शान है। एक पुत्री के कारण जब पिता का अपमान हो, तो ऐसे पुत्री को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। पिताश्री, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। प्रभावती, छोड़ दीजिए मुझे। माताश्री, छोड़ दीजिए मुझे। मरना चाहती हो ना? मरना चाहती हो? लो, ये तलवार ले लो। प्रभावती, तुम आत्महत्या करना चाहती हो तो अवश्य करो, परंतु इससे पहले तुम्हें दो हत्याएं और करनी पड़ेंगी। पहले मैं अपनी माता की और दूसरी दादी मां की। नहीं माताश्री, नहीं माताश्री। प्रभावती, तुम्हें अपनी माता की और दादी माँ की सौगंध है, फिर कभी आत्महत्या के विचार मन में ना लाना पुत्री। अच्छा माताश्री, तुम अपने पिता की मान मर्यादा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार हो गई। ये देखकर ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि तुमने शत्रुपुत्र प्रद्युम्न को अपना दिल देकर असुर कुल की मान मर्यादा भंग क्यों की। मैं विवश हो गई थी माँ। ऐसी कौन सी विवशता थी पुत्री? अंतरिक्ष में जाने का ये फल प्राप्त होगा, यदि इस बात का मुझे पता होता तो मैं सखी तारका के साथ कभी न जाती। माताश्री, अंतरिक्ष में? हाँ माताश्री, उस रात मैं सखी तारका के साथ अंतरिक्ष में विहार करने गई थी। जब मैं और सखी तारका पुष्पक विमान से अंतरिक्ष में विहार कर रही थी, तब हम विहार करते करते वज्रपुर नगरी से बहुत दूर चले गए। फिर अचानक उन्होंने बांसुरी के मधुर स्वर सुने। इतनी मनभावन बांसुरी मैंने आज तक नहीं सुनी थी। धरती पर उतरी और देखा कि एक सुंदर नौजवान बांसुरी बजा रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसकी ओर चल पड़ी।
की खनक सुनकर उसने आंखें खोली और मेरे सामने आ गया। मैं नहीं जानती थी कि वो राजकुमार प्रद्युम्न है। बस इतना जानती थी कि मन ही मन मैंने उसे अपना स्वामी मान लिया था। माताश्री, प्रद्युम्न के साथ वो मेरी प्रथम और अंतिम भेंट थी। उसके बाद मैं प्रद्युम्न से नहीं मिली, परंतु प्रद्युम्न को मैं भूल भी नहीं सकी। परंतु माताश्री, मैंने अपने मन की सारी बात आपको बता दी। बताइए माताश्री, इसमें मेरा क्या दोष है? और यदि आप मुझे दोषी समझती हैं, तो असुर कुल की मान मर्यादा पर मैं अपने प्यार की भेंट निसंकोच चढ़ा दूंगी। तुमने कोई भूल नहीं की, कोई दोष नहीं किया है पुत्री। माताश्री। हाँ पुत्री, यदि भूल की है तो हमारे प्रारब्ध ने की है। माताश्री। हाँ पुत्री। प्रभावती आपकी भक्ति करेगी और दूसरी ओर प्रभावती का अज्ञानी पिता वज्रनाभ आप जैसे सर्वशक्तिमान के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। प्रभु, आपकी लीला अगाध है, परंतु आपकी कैसी लीला है? आप किसी को भरपेट देते हैं और किसी को भूखा भी रखते हैं। आप ही आंखें प्रदान करते हैं और उन आंखों की दृष्टि आप ही छीन लेते हैं। ये कैसी लीला है? ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? हे तपस्विनी, प्रभु, देने वाला मैं हूं और लेने वाला भी मैं हूं। शक्ति प्रदान मैं ही करता हूं और उस शक्ति का जब दुरुपयोग किया जाता है तब दंड नायक भी मैं ही होता हूं। परंतु मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि किसी का प्रारब्ध मैं नहीं बनाता। हर कोई अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप अपना अपना प्रारब्ध बनाते हैं। पुण्य कमाने वाले सुख भोगते हैं और पाप कमाने वाले दुख। मैं हर किसी को संभलने का अवसर भी देता हूं, फिर भी यदि कोई नहीं संभलता तो वो अपने कर्मों का भुगतान अवश्य भुगतता है। प्रकाश और अंधकार का ये युद्ध सनातन है और ऐसे युद्ध में अंतिम विजय प्रकाश की ही होती है। ये सत्य जानने के बाद भी वज्रनाभ जैसे दुराचारी अंधकार के मार्ग को स्वीकार करते हैं। ये अंधकार अधर्म, अन्याय, अनीति और अहंकार का प्रतीक है। वज्रनाभ जैसे दुरात्माओं को भी मैं अपनी प्रभुता का साक्षात्कार कराता हूं, परंतु अहंकार के अधीन होकर ऐसे दुरात्मे मेरे साक्षात्कार का संकेत समझ नहीं पाते और अंत में नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, प्रभु, आप वज्रनाभ को क्षमा कीजिए। प्रभु, हे तपस्विनी, हे वत्से, मैं तो निर्लिप्त हूं। मुझे ना किसी से लोभ है, मोह है और ना ही किसी पर मुझे क्रोध है। वज्रनाभ पर भी मुझे क्रोध नहीं है,
जो कोई भी सृष्टि के लिए बनाए नियमों का उल्लंघन करता है, विधि का विधान बदलने की धृष्टता दिखाता है, उसे दंड देना दंड नायक होने के कारण मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। यही तो मेरा धर्म है। इस धर्म का पालन करने तो मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। इसका अर्थ प्रभु, आप वज्रनाभ को दंड देंगे? क्या ये अनिवार्य नहीं है? परंतु प्रभावती का तो ध्यान कीजिए, वो तो निष्पाप है। प्रभावती की आप चिंता मत कीजिए, प्रभावती का प्रद्युम्न से विवाह होगा। इसका अर्थ ये है प्रभु कि प्रभावती आपकी बहू बनेगी। हे योगिनी, प्रद्युम्न प्रभावती के विवाह से मैं दुराचारियों को संकेत देना चाहता हूँ। मैं केवल अधर्म और अधर्मियों के विरुद्ध हूँ, उनके निष्पाप रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं हूँ। उनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, वो सब मेरे हैं। प्रभु आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु। सुरेश्वर, हमें रात के अंधेरे का लाभ उठाते हुए द्वारिका पर आक्रमण करना चाहिए था, परंतु हम द्वारिका से बाहर पड़ाव डाले बैठे हैं। नहीं वृषभान, हमें कृष्ण से डरने और रात के अंधेरे में आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो स्वयं उस ग्वाले को भयभीत करना चाहते हैं। वो कैसे असुरेश्वर? द्वारिका नगरी के मुख्य द्वार के सामने हमारी सेनाओं का पड़ाव ग्वाले कृष्ण और बलराम के लिए एक चुनौती है, परंतु इतने पर भी हम बस नहीं करेंगे। हम अपना दूध भी ग्वाले कृष्ण के पास भेजेंगे। परंतु दूध भेजने की क्या आवश्यकता है सुरेश्वर? हम असुर हैं और राजनीतिक शिष्टाचार को मानना हमारी परंपरा नहीं है। परंतु मैं उस संसार को जिस पर मैं अपना राज्य स्थापित करना चाहता हूं, ये दिखा दूंगा कि कृष्ण को पराजित करने के लिए हमने कोई भी छल कपट का प्रयोग नहीं किया है। हम अपने एक मायावी असुर को ही दूत के रूप में भेजेंगे। परंतु संदेश क्या भेजेंगे? हमारा उद्देश्य तुम्हें पता है, बस इसी उद्देश्य को हमारे संदेश के रूप में भिजवाओ। दूत को भारी से भारी शब्दों का चयन करने का अधिकार है। यूं समझो कि दूत के रूप में हम द्वारिका के दरबार में गरजेंगे। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को असुरेश्वर वज्रनाभ के दूत का प्रणाम। हे राजदूत, राजा वज्रनाभ का क्या संदेश लाए हो? बताइए राजदूत, आपको अभय है? हे ग्वाले, पृथ्वी लोक पर जो उत्पात मचा रखा है, उसके लिए मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं। दूत, दंड तो मैं तुम्हें दूंगा। दाऊ भैया, कन्हैया, कन्हैया को जो भी अपशब्द से संबोधित करता है वो जीवित रहने का अधिकार ही खो देता है। रुक जाइए दाऊ भैया। परंतु कन्हैया,
यज्ञ तुम्हारा। दाओ भैया, ये दूत है, राजा वज्रनाभ का दूत। वज्रनाभ ने जो संदेश भेजा है उसे वैसा ही सुनाना इसका धर्म है, और इस समय ये अपने धर्म का पालन कर रहा है। इसे सुनाने दीजिए अपना संदेश। दाओ भैया, हमें भी तो समझना चाहिए कि वज्रनाभ के हृदय में हमारे लिए कितना विष भरा हुआ है। हे राजदूत, तुम अपने स्वामी राजा वज्रनाभ का संदेश सुनाओ। हे कृष्ण, तुम महाचतुर हो, अपने आसपास बाट इकट्ठा करके उन बाटों से अपनी झूठी प्रशंसा करवाते हो, परंतु तुम तो झूठी प्रशंसा के योग्य नहीं हो। प्रशंसा के योग्य केवल मैं हूं। मैं वज्रनाभ केवल पृथ्वी लोक वासियों का ही नहीं, तुम्हारा भी भगवान हूं। दूत, शांति से काम लीजिए दाऊ भैया, शांति से। शांति से? ये दूत यहां शांति के लिए नहीं आया है कन्हैया, इसका तो संदेश ही अशांति निर्माण कर रहा है। ये तुम्हारा अपमान कर रहा है कन्हैया, और मैं ये कैसे सहन करूं? दाऊ भैया, ये अपमान नहीं कर रहा है, ये तो केवल एक दूत है। अपमान तो राजा वज्रनाभ कर रहा है, जो अपने आप को स्वयं भगवान समझ रहा है। कहने दीजिए इसे अपना संदेश। हे ग्वाले, तुम मेरी बराबरी करने का अपराध करते आए हो, परंतु मैं तुम्हें सदा सर्वदा क्षमा ही करते आया हूं। परंतु अब तुम्हारे पुत्र प्रद्युम्न ने मेरी पुत्री प्रभावती को बहकाने का जो भयंकर अपराध किया है, उसके लिए ना उसे क्षमा करूंगा ना तुम्हें। मैं द्वारिका से कुछ अंतर पर तुम्हारी प्रतीक्षा में पड़ाव डाले बैठा हूं। यदि तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें अभय दूंगा, वरना तुम्हें तुम्हारे भाई बलराम और तुम्हारे पुत्र प्रद्युम्न को मृत्यु दंड दूंगा। मृत्यु दंड? मृत्यु दंड तो मैं तुम्हें दूंगा। दाऊ भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए, यह वज्रनाभ का दूत है, वज्रनाभ नहीं, और दूत होने के कारण यह हमारे लिए अवैध है। परंतु कन्हैया, संदेश के बहाने वज्रनाभ तुम्हारा अपमान कर रहा है, और ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। दाओ भैया, अहंकार रूपी सर्प जब वज्रनाभ जैसे मूर्ख ज्ञानियों को डस लेता है, तब ऐसे मूर्ख ज्ञानी अपने बल और शक्ति के बारे में भ्रमित हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि जो दूसरों के विनाश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो स्वयं अपने विनाश के कगार पर खड़े हुए हैं। दाओ भैया, इसे वज्रनाभ का संदेश पूरा कर लेने दीजिए, फिर हम सब मिलकर वज्रनाभ के भविष्य के बारे में निर्णय लेंगे। हे राजदूत, तुम अपने स्वामी राजा वज्रनाभ का संदेश पूरा करो। हे कृष्ण, याद रखो, बांसुरी बजाकर और हल चलाकर युद्ध नहीं जीते जाते हैं। मैं जानता हूं कि तुम मायावी हो, परंतु मैं महामायावी हूं। इसलिए द्वारिका, और स्वयं अपना विनाश नहीं चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें केवल एक दिन का समय देता हूं, उसके बाद मैं स्वयं द्वारिका में आ जाऊंगा, तब द्वारिका को कोई नहीं बचा सकेगा। हे राजदूत, हमने आपके राजा वज्रनाभ का संदेश सुन लिया है, हम शीघ्र ही राजा वज्रनाभ को अपना उत्तर भेज देंगे। शीघ्र ही? शीघ्र ही क्या कन्हैया, हम इसी समय उत्तर देते हैं, और वो उत्तर है युद्ध। हाँ, युद्ध। हाँ, युद्ध। प्रभु, युद्ध युद्ध की गूंजे आज राज दरबार की दीवारों तक को हिला रही थी, उसकी प्रतिध्वनि से अब भी मेरा मन कांप रहा है। देवी, मैं जानता हूं कि युद्ध आपको मन से पसंद नहीं है, फिर भी
जब युद्ध अनिवार्य हो जाता है तो तलवार का जवाब तलवार से ही देना पड़ता है। देवी, आप तो जानती हैं, धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म की ही जीत होती है, फिर भी आप चिंता कर रही हैं। मैं जानती हूं प्रभु, जीत धर्म की होगी, जीत आपकी होगी। तो फिर आपकी चिंता का कारण? मेरी चिंता का कारण है असुरराज वज्रनाभ। वज्रनाभ हमारा शत्रु है। हाँ, परंतु वो आपका होने वाला समधी भी तो है, और समधी युद्ध भूमि पर एक दूसरे से टकराते नहीं, गले मिलते हैं। प्रभु, मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आप भी ये युद्ध मन से नहीं चाहते, परंतु दाऊ भैया के क्रोध की भावनाओं की लाज रखने के लिए आपने राज दरबार में वज्रनाभ के दूत के सामने दाऊ भैया के युद्ध की रट को नहीं काटा। देवी, आप मेरे मन की बात इतने सहज ढंग से कैसे जान लेती हैं? आपकी धर्म पत्नी जो हूँ प्रभु, आज राज दरबार में दाऊ भैया की बात को न काटते हुए आपने उनके छोटे भाई का कर्तव्य तो निभाया, परंतु क्या एक समधी होने का कर्तव्य नहीं निभाएंगे? वज्रनाभ समधी होने का शिष्टाचार भूल बैठा है, तो क्या आप उसे याद भी नहीं दिलाएंगे? देवी, धर्म और युद्ध के सिद्धांत अनुसार युद्ध से पहले वज्रनाभ के लिए मैं शांति का संदेश लेकर जाने ही वाला था, परंतु ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने समधी होने का नाता याद दिला दिया और इस शांति संदेश को एक नया रूप दे दिया। देवी, अब मैं अपने होने वाले समधी वज्रनाभ के शिविर में शीघ्र ही जाकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। कौन हो तुम? मैं ही हूं तुम्हारा होने वाला समधी कृष्ण। कृष्ण? तो तुम अपने समधी के स्वागत के लिए तैयार हो? यह तो बड़ी अच्छी बात है, आओ गले लग जाओ। गले तुझे मैं नहीं, मेरी तलवार लगाएगी। वज्रनाभ, क्या तुम इतने कायर हो कि एक निहत्ते पर अपनी तलवार उठाओगे? ये तो मैंने देखा ही नहीं कि तुम मेरी शिविर में निहत्ते आए हो। और निहत्ते आने का अर्थ ये है कि तुम मुझसे शरण मांगने आए हो। शरण मांगने नहीं, हाथ मांगने आया हूं। तुम्हारी पुत्री राजकुमारी प्रभावती का हाथ अपने पुत्र युवराज प्रद्युम्न के लिए मांगने आया हूँ। खामोश ग्वाले, मेरी पुत्री कोई ग्वालन नहीं है जो तुम्हारी बहू बने। पर प्रभावती तो यही चाहती है। वज्रपुर में वही होता है जो वज्रनाभ चाहता है, और मैं नहीं चाहता कि प्रभावती प्रद्युम्न को चाहे। राजकुमारी प्रभावती को यही मैंने आदेश दिया है। परंतु वज्रनाभ, प्रेम किसी राजा के आदेश के अधीन नहीं होता। यदि मेरी पुत्री मेरे आदेश का विरोध करती तो अब तक मेरी यह तलवार उसके रक्त से लाल हो चुकी होती। मेरे सामने वो अपनी जबान नहीं खोल सकती। माँ बाप अपनी संतान की इच्छाओं को अपने पैरों तले नहीं कुचलते। प्रभावती और प्रद्युम्न एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांध देना ही उचित है। विवाह? ये कहो कि तुम द्वारिका को मेरी सेना के घेरे में देखकर घबरा गए हो और मुझसे शरण मांगना चाहते हो, परंतु द्वारिकाधीश को शरण मांगते हुए ला जा रही है, इसलिए विवाह के बहाने अपने आप को
अपनी द्वारिका को मेरे प्रकोप से बचाना चाहते हो? हाँ, मैं सबको युद्ध से बचाना चाहता हूँ। पर बचा नहीं सकोगे, कल युद्ध होगा। तुम और तुम्हारा भ्राता बलराम, प्रद्युम्न और सारी द्वारिका नगरी सब के सब मेरे हाथों नष्ट हो जाएंगे। हे असुर राज वज्रनाभ, असली आनंद नष्ट करने में नहीं, निर्माण करने में आता है। सच्चा मजा तोड़ने में नहीं, जोड़ने में आता है। इसलिए मैं प्रभावती और प्रद्युम्न को बंधन में जोड़ना चाहता हूँ, दोनों राज्यों को संबंध में जोड़ना चाहता हूँ, उन्हें और भी शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ। शक्ति की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ। इसलिए तुम मुझसे संबंध जोड़कर मेरी शक्ति का लाभ उठाना चाहते हो, परंतु मैं विवाह का तुम्हारा यह प्रस्ताव अपनी ठोकर पर रखता हूँ। वज्रनाभ, विवाह के प्रस्ताव के साथ मैंने शांति का प्रस्ताव रखकर युद्ध से पहले धर्म युद्ध के नियमों का पालन किया है, परंतु तुमने इस प्रस्ताव को मेरे लाख समझाने के बाद भी ठोकर मारकर अच्छा नहीं किया। अब यदि युद्ध होगा तो उसके भीषण परिणामों का उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा। मेरे शिविर में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें इसी क्षण बंदी बना सकता हूँ। तुम नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे प्रतिहारियों को अचेत कर दिया है। तो तुमने अपनी माया का खेल दिखाया है, अब तुम मेरी महामाया का खेल देखो। अच्छा, प्रतिहारियों, आज्ञा सुरेश्वर, इस ग्वाले कृष्ण को बंदी बना लो। जो आज्ञा सुरेश्वर। वज्रनाभ, ना तुम उसे माया में जीत सकते हो और ना ही युद्ध में, इसलिए अब भी समय है, युद्ध की हट छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जो भी होगा युद्ध भूमि पर देखा जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा।